नमस्कार, मी शुभांगी, माझ्या सोबत रहा अपडेट आणि हो SBI मराठीला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। बीड पोलिसांचा स्तुत्य उपक्रम पाहायला मिळतोय। डिप्रेशनवर मात करण्यासाठी त्यांनी प्रोजेक्ट सहायता मदत कक्ष सुरू केलाय। सहायतेसाठी आम्ही 24 तास तत्पर असल्याचं पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांनी सांगितलं। कोरोनामुळे सततचा लॉकडाऊन असल्यानं घरामध्येच कोंडून पडल्यामुळे मानसिक आजार आणि डिप्रेशन, नैराश्यग्रस्त अशा प्रकारचे रुग्ण वाढत असल्याचं समोर येत आहे। याच नैराश्यातून काही जण तर थेट आत्महत्यासारखे टोकाचं पाऊल उचलत आहेत। या घटना रोखण्यासाठी आणि यावर मात करण्यासाठी बीड पोलिसांनी आता प्रोजेक्ट सहायता मदत कक्ष सुरू केला आहे। तर जे लोक डिप्रेशनमध्ये आहेत किंवा काही मानसिक आजारातून जात आहेत, ते लोक शक्यतो आपलं दुःख किंवा त्रास इतर कोणत्याही व्यक्तीजवळ व्यक्त करीत नाहीत। अशावेळी आवश्यक असते ती समाज आणि प्रशासनानं अशा लोकांना सहानुभूतीचा हात देण्याची। कित्येक वेळा अशा लोकांशी बोलल्यानंतर किंवा चर्चा केल्यानंतर त्यांची मानसिकता बदलून त्यांचा त्रास दुःख कमी केला जाऊ शकतो। या बाबींना विचारात घेऊनच बीड पोलीस दलानं प्रोजेक्ट सहायता हा मदत कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय। आप सबको मालूम है कि पिछले चंद महीनों से लॉकडाउन के वजह से पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा जिला जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारे अंदर एक अंतर युद्ध भी चल रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि मनोरुग्णता और डिप्रेशन की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भाई बंधु जो हमारे बीच रहते हैं, लेकिन वो किसी घातक प्रकार के मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन के साथ लड़ रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आवश्यक है कि समाज और प्रशासन उनके तरफ एक सहानुभूति का हाथ बढ़ाए। कई बार ये जो लोग हैं वो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और ये आवश्यक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक हाथ बढ़ाए उनके तरफ दोस्ती का, जिससे वो अपने दुख और अपने दर्द को हमारे साथ बांट सके। कई बार ये दुख और दर्द जो है वो सर के ऊपर चले जाने से ये गलत कदम उठा लेते हैं, किसी प्रकार की खुदकुशी कर लेते हैं या फिर खुद को हानि पहुंचा लेते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीड पुलिस ने एक नया उपक्रम शुरू किया है जिसका नाम है सहायता। इसके जरिए हम ये प्रयत्न करते हैं कि हम उन लोगों तक पहुंच सके, अपने उन भाइयों और दोस्तों की तरफ पहुंच सके जो कि अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और उस दुख में ही डूबते चले जाते हैं। इस उपक्रम के दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है एक हेल्पलाइन, जिसके जरिए हम ये आह्वान करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि डिप्रेशन या फिर मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, इस हेल्पलाइन पर हमसे संपर्क करें। हेल्पलाइन पर आपकी बात एक पुलिस अधिकारी से होगी, और बात होने के बाद अगर ये लगता है कि आवश्यक है कि आपको मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन के वजह से आपको किसी प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करवा करके लेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ बीड पुलिस ने टाइप किया है ताकि आपको काउंसिल किया जा सके और आपके डिप्रेशन से आपको बाहर निकाला जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो कि खुद डिप्रेशन से गुजर रहा है, या फिर अगर आपके परिवार या फिर आपके दोस्तों के मंडली में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि डिप्रेशन से गुजर रहा है, इस हेल्पलाइन का लाभ उठाएंगे। ये हेल्पलाइन इस वजह से बनाया गया है ताकि ये लोग जो कि किसी से बात नहीं कर सकते हैं, एक प्रोफेशनल व्यक्ति, एक प्रोफेशनल साइकाइट्रिस्ट से इसे कंसल्ट करें, बात करें और उन्हें उनके पीड़ा से बाहर निकाला जा सके। इसके लिए किसी प्रकार की शुल्क लागू नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आप अपने अंधेरों से बाहर निकल आए इस हेल्पलाइन के जरिए। इस प्रोजेक्ट का जो दूसरा अंश है वो ये है, आप सबको मालूम है कि पुलिस सरकार का एक ऐसा विभाग है जिसका लोगों के साथ एक बहुत बड़ा इंटरफेस है। हर रोज समाज के साथ हम उठते बैठते हैं। हमारे जो पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कि किस प्रकार से मनोरुग्ण या फिर डिप्रेस्ड व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उनके क्या लक्षण होते हैं। बहुत बार हमें ये पता ही नहीं चलता है कि कोई व्यक्ति इस ऐसे दौर से गुजर रहा है।
और उस वजह से उसे प्रोफेशनल अटेंशन नहीं मिल पाती है। अब हम बीड पुलिस में ये प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जितने कर्मचारी और अधिकारी हैं उन्हें ये पता रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो कि उनके संपर्क में आता है वो अगर मनोरुग्ण है या फिर किसी प्रकार के डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसे इमीडिएटली प्रोफेशनल एडवाइस के लिए प्रोवाइड किया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट इसमें हमारी मदद कर रही है। हमारी ये उम्मीद है कि बीड में कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसे मेंटल इलनेस या फिर डिप्रेशन से गुजर रहा है, हमारा ये आह्वान है कि आप किसी प्रकार का गलत कदम मत उठाइए। आपके परिवार को जो धक्का इसके वजह से पहुंचता है वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। बीड पुलिस आपके सदैव आपके साथ है और ये जो मुश्किल की दौर है आप हमसे सहायता मांगिए, हम हर हाल से इस मुश्किल काल में आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको इसे बाहर निकालने की प्रयत्न करेंगे। इसके लिए